बनाने जा रहे हैं। घर में अक्सर इस तरह रोटी बच जाती है तो हम उसको कम यूज़ करते हैं। ये रोटी का मैं आपको जो नाश्ता बताऊंगी तो आप बच्चों को 100% टिफिन में देंगे। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कम से कम 1000 व्यूज होना चाहिए। अब हमने बची हुई रोटी को इस तरह घर में चाकू या कैंची तो होती है तो हम इसको पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे भी काट सकते हैं जैसे भी आपकी इच्छा हो। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इसको इस तरह से काटूंगी। अब हम इसको इससे बीच में इस तरह से काटेंगे तो सारे एक साइड जैसे बनेंगे। तो ऐसे छोटे बड़े नहीं बनेंगे, सब एक ही साइड से बनेंगे। लंबे पतले आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप इसका फिंगर चिप्स बना सकते हैं, आप इसका मंचूरियन बना सकते हैं। मैं आपको इसका मंचूरियन और फिंगर चिप्स दिखाऊंगी दोनों। इसी तरह मैं ये हमारे इस तरह से एक ही साइड की पट्टियां होगी पास्ता टाइप। मैंने इसको काट दिया। अब हम इसको एक साइड करेंगे। मैंने प्याज काटा लंबा, बड़ा प्याज लिया और बड़ा मिर्ची, इन दोनों को काट के इस तरह रख दिया। इसको भी करेंगे साइड। अब मैंने कढ़ाई में घी डाला है, वो मैंने थोड़ा सा ही डालती हूँ ताकि जो दो बार में घी खत्म हो जाए, नहीं तो ज्यादा जला हुआ घी फिर यूज करने में नुकसानदायक होता है। ये मैंने चावल का आटा लिया है, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते, वो मैदा भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच ले लिया। मैं 1 चम्मच में लूंगी। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं हो तो आप पूरा कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ये भी मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी। अब इसका हम थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। ज्यादा आपको इसका पतला भी नहीं बनाना है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, जैसे ये बढ़िया से डिप हो जाए बस। गैस पर रख दी है और हम इसको चालू करेंगे। इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हो गया। लाल मिर्ची आप कम ज्यादा ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसमें इसको डिप करेंगे।
करारे बन जाएंगे। अगर आप मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। गाइस इस तरह से देखो कितना करारा बन गया हमारा। अब हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं और अब हम इसका मंचूरियन भी बनाएंगे। अब हमने कढ़ाई में से घी निकाल लिया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर सॉस में ये सब चीजें कमी होती है। तो हल्का सा सॉटे कर लेंगे प्याज का कच्चा पन होता है। किस बात की देरी, बता कर खाने की हो जाए तैयारी।